दोस्तों, क्रिकेट के तकरीबन हर मैच में कोई ना कोई बल्लेबाज रन आउट जरूर होता है। कोई भी बैट्समैन या तो फील्डर की फुर्ती का शिकार बनता है या इसका साथी बल्लेबाज इसे दगा दे जाता है। लेकिन कई बैट्समैन ऐसे भी हैं जो अपनी बेवकूफ़ी या ख़राब किस्मत की वजह से आउट हुए। आज की वीडियो में हम आपको 12 ऐसे रन आउट्स बता रहे हैं जिनके होने में किसी फील्डर का कोई कमाल नहीं था, ना ही साथी क्रिकेटर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बल्कि बैट्समैन ने अपने ही हाथों अपनी विकेट गंवा दी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक ऐसा रन आउट भी आएगा जिसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर 1, मारूफ रेफरी और ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेविड बून का ये रन आउट देखकर आप हंस कर लोट पोट हो जाएंगे। 1992 में एडिलीड टेस्ट मैच में बून ने सचिन तेंदुलकर की गेंद को लेग साइड पर आहिस्ता से खेला और लगे टहल टहल कर रन बनाने। भारतीय कीपर ने बून को कछुए की चाल से चलते देखा तो हरगोश की तरह गेंद की तरफ लग के और सीधा विकेटों में दे मारा। इससे पहले कि बून को पता चलता, बहुत देर हो चुकी थी। अपने आप को कोसते हुए पवेलियन लौटने के सिवा डेविड बून के पास कोई ऑप्शन नहीं था। नंबर 2, समित पटेल। दोस्तों, समित पटेल इंग्लिश ऑलराउंडर हैं। समित पटेल ने PSL 5 में लाहौर कलंदर्स की फतुहात में अहम किरदार भी अदा किया है। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में उनका एक रन आउट मोस्ट फनी रन आउट्स में शामिल होता है। दोस्तों, डर्बीशायर और नॉटिंघम के दरमियान मैच में समित पटेल ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब शॉट लगाई और रन बनाने के लिए दौड़े, लेकिन पिच के एन दरमियान में पहुंचकर फिसल गए। दोस्तों, समित का फिसलना किसी दिलचस्पी से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था समित फिसले नहीं, हवा में उछले हैं। इससे पहले कि समित संभल कर क्रीज पर पहुंचते, विकेट कीपर इन्हें आउट कर चुका था। नंबर 3, दोस्तों, क्रिकेट में ऐसे रनआउट्स भी हुए हैं कि आप इन्हें बार बार देखने पर मजबूर हो जाते हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखें। न्यूजीलैंड के एक डोमेस्टिक मैच के दौरान बल्लेबाज ने लेग साइड की जानिब शॉट लगाई और दोनों बैट्समैन रन बनाने के लिए दौड़े और पहला रन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। स्ट्राइकर बैट्समैन जब दूसरा रन लेने के लिए मुड़ा तो फिसल गया। इसका साथी पलट कर आधी पिच क्रॉस कर चुका था। जब इसने देखा कि दूसरे बल्लेबाज गिरा हुआ है, इसने वापस पलटना चाहा, लेकिन इससे पहले नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज वापस मुड़ता और वो भी फिसलकर जमीन पर गिर चुका था। अब आलम यह था कि दोनों बल्लेबाज क्रीज से बाहर जमीन पर गिरे पड़े हैं और हरीफ टीम आउट का जश्न मना रही है। नंबर 4, अजहर अली। दोस्तों, इस फेहरिस्त में अजहर अली का वो रन आउट भी शामिल है जो अजहर अली और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इस रन आउट ने एक लंबे अरसे तक अजहर अली का पीछा नहीं छोड़ा था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में अजहर अली ने थर्ड मैन की जानिब शॉट लगाई। अजहर अली और असद शफीक को लगा कि ये चौका हो गया है और दोनों लगे बातें करने। ऑस्ट्रेलवी फील्डर मिचेल स्टार्क ने बाउंड्री के करीब से गेंद पकड़कर कीपर की जानिब फेंक दी, जिसने बेल्स उड़ाने में ज़रा देर न की। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि आउट होने के बाद भी अजहर अली को पता न चला कि वो रन आउट हो चुके हैं। अजहर अली और असद शफीक हैरानगी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जश्न क्यों मना रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अजहर अली आउट हो चुके थे। दोस्तों, इस रन आउट के बाद अजहर अली से बस हर कोई एक ही सवाल करता था कि आखिर आपको गेंद का पता क्यों ना चला, लेकिन अजहर अली ने कभी इस सवाल पर गुस्से का इजहार नहीं किया। नंबर 5, दोस्तों, जब तक एम्पायर इशारा ना कर दे या आपको गेंद बाउंड्री लाइन पार करते अपनी आंखों से दांत देख लें, किसी खुशफहमी का शिकार ना रहें। पाकिस्तानी पेसर मोहम्मद आमिर को भी ये खुशफहमी ले डूबी। 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में आमिर ने मिड ऑन पर छक्का लगाने की कोशिश की। आमिर को लगा ये छक्का हो गया है और क्रीज पर खड़े होकर अपनी शॉट का नज़ारा करने लगे, लेकिन फील्डर गेंद को रोक चुका था और जब फील्डर ने थ्रो की तो आमिर को रन लेना याद आया, लेकिन इनके क्रीज पर पहुंचने से पहले बेल्स उड़ चुकी थी। नंबर 6, दोस्तों, अपनी बेवकूफ़ी से विकेट गंवाने वालों की फहरिस्त में उमर अमीन भी शामिल हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उमर अमीन ने गेंद को मिड ऑन की जानिब ड्राइव किया और एक रन मुकम्मल किया। क्रीज पर पहुंचने के बाद उमर अमीन ने बल्ले को ज़मीन पर टैपिंग करना शुरू कर दिया।
महमूदुल्ला गेंद करा रहे थे। गेंद जब इनके पास आई तो उन्होंने बेल्स उड़ा दी। थर्ड अंपायर ने देखा तो बेल्स उड़ते वक्त उमर अमीन का बल्ला हवा में था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो आउट हो चुके हैं। नंबर 7। दोस्तों, कैरिबियन प्रीमियर लीग में उमर अकमल अपनी सुस्ती की वजह से विकेट गवा बैठे। हाशिम आमला ने अमाद वसीम की गेंद को पॉइंट की जानी पुश किया और रन बनाने के लिए दौड़े। वहां रन बनता नहीं था। फील्डर ने गेंद पकड़ते ही विकेट कीपर की जानी फेंकी। हाशिम आमला की किस्मत अच्छी थी कि कीपर बेल्स ना उड़ा सका और संगाकारा की थ्रो थर्ड मैन की जानिब चली गई। इसी असना में उमर अकमल को रन लेने की सूझी। उमर अकमल शायद रन मुकम्मल कर भी लेते, लेकिन वो ऐसे दौड़े जैसे गेंद बाउंड्री के करीब और फील्डर से बहुत दूर है। नतीजा ये निकला कि मैदान बदर होना पड़ा। नंबर 8। दोस्तों, न्यूजीलैंड के शेन थॉम्पसन के इस रनआउट को देखकर आप इनको 21 तोपों की सलामी देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में थॉम्पसन ने स्पिनर की गेंद को फ्रंट फुट पर रोका और लगे एक लंबा पोज बनाने। सिली मिड ऑफ पर खड़े हसी करोनिया ने आराम से गेंद पकड़ी और विकटों पर दे मारी, लेकिन थॉमस का पोज था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थर्ड अंपायर ने देखा तो जनाब का पांव करीज से बाहर था और यूं थॉम्पसन अपने पोज के हाथों ही अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, ये मैच का आखिरी दिन था। न्यूजीलैंड ने मैच बचाना था और इसकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन थॉम्पसन की इस अजीबोगरीब हरकत ने मैच न्यूजीलैंड के हाथों से दूर कर दिया। नंबर 9। माइक एथरटन। दोस्तों, इस रनआउट को दुनिया का सबसे मायूस कुन रनआउट भी कहा जाता है। 1993 की एशेज सीरीज का दूसरा मैच होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में खेला जा रहा था। इंग्लैंड को इनिंग्स की शिकस्त का खतरा था। माइक एथरटन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने डट गए। 97 रन पर माइक एथरटन ने डीप मिड विकेट की जानिब शॉट लगाई, 2 रन तेजी से बना लिए। तीसरे रन के लिए दौड़े तो पिच के दरमियान में जाकर फिसल गए। एथरटन ने वापस जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फील्डर की उम्दा थ्रो के बायस आइन हेली माइक एथरटन के करीज पर पहुंचने से पहले ही बेल्स उड़ा चुके थे। यूं माइक एथरटन सिर्फ 1 रन की कमी से लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में नाम दर्ज ना करा सके। नंबर 10। दोस्तों, इस फहरिस्त में पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक भी शामिल हैं। भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान एक टेस्ट मैच में मिसबाउल हक ने गेंद को गली की राह दिखाई। वहां कोई फील्डर नहीं था। मिसबा रन बनाने के लिए दौड़े, इसी दौरान फील्डर थर्ड मैन से दौड़ता हुआ आया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो की। क्रीज पर पहुंचने के बावजूद गेंद से बचने के लिए हवा में उछली। गेंद मिसबा की टांगों से नीचे होती हुई विकेटों में जा लगी। मिसबा खुद को बचाते बचाते अपनी कीमती विकेट गवा बैठे। नंबर 11। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, आप एक बार फिर जरूर देखेंगे। बल्लेबाज ने गेंद को लेग साइड पर खेला। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रन बनाने के लिए दौड़ा। स्ट्राइकर बल्लेबाज को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर जल्दबाजी में बॉलर का बाजू विकेटों को लगने से बेल्स गिर गई, लेकिन बॉलर ने फौरन ही एक स्टंप उखाड़ दी। बल्लेबाज ने समझा कि वो आउट हो चुका है और पिच पर खड़े होकर अफसोस करने लगा, लेकिन अंपायर ने अभी आउट नहीं दिया था। बल्लेबाज कुछ सेकंड्स पिच पर ही खड़ा रहा, हालांकि वो करीज पर पहुंच सकता था। अंपायर के आउट ना देने पर फील्डिंग करने वाली टीम ने दूसरी स्टंप भी उखाड़ दी। बल्लेबाज ने क्रीज पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रेयर और आपके लिए तोहफा है। हमारा दावा है कि आपने इससे मजह का खेज रनआउट पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए हमने इसे अपनी फहरिस्त में नंबर 1 पर रखा है। बल्लेबाज कैसे रनआउट हुआ हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो एंजॉय करें और बार बार देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही साथ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस मैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर आने वाला हूं। हमने इस तरह की पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और आपको उनमें से बहुत सारी वीडियोस पसंद आएंगी। क्रिकेट से रिलेटेड और दुनिया भर से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि जो आपके दिल को महसूस कर देंगी और आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगी। इसके अलावा, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा
क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाली हैं।